ओम गणपते नमः। दोस्तों, आज हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करेंगे, दैट हाउ विल बी माय लाइफ पार्टनर। जो लोग जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए हमेशा ये क्यूरियोसिटी है कि मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, एस्ट्रोलॉजिकली हम इस चीज़ को कैसे देख सकते हैं। जिनकी शादी हो गई है, हो सकता है कि कुछ ऐसे ट्रेट्स हों जिनको हम पहचान नहीं पाए और उसकी वजह से हमें एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो। तो चलो जानते हैं कि हाउ विल बी माय लाइफ पार्टनर एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से। सभी जानते हैं कि सेवंथ हाउस जो है वो हमारे लाइफ पार्टनर, हमारी मैरिड लाइफ को सिग्निफाई करता है। वीनस वाइफ का कारक है और जुपिटर लेडीज के लिए हस्बैंड का कारक है। मार्स इसके अंदर हमारे सेक्स की विगर है। बेटर ये रहता है कि सेवंथ हाउस के अंदर कोई भी प्लेनेट पोस्टेड ना हो। जो भी प्लेनेट सेवंथ हाउस में पोस्टेड होगा वो अपने रिजल्ट्स उसके ऊपर, अपने इफेक्ट्स उसके ऊपर छोड़ देता है, जिससे कि आपकी मैरिड लाइफ अफेक्टेड होती है। एक्चुअली एक जनरल प्रेडिक्शन है। एक्चुअल में आपके सेवंथ हाउस में साइन क्या है वो देखना पड़ता है। उसके अंदर सेवंथ हाउस का जो लॉर्ड है वो कहाँ पे प्लेस्ड है, उसके ऊपर किन प्लैनेट्स का एस्पेक्ट आ रहा है वो देखना पड़ता है। नेक्स्ट इज, अगर कोई प्लैनेट सेवंथ हाउस में पोस्टेड है उसका किसके साथ कंजक्शन एस्पेक्ट, ये देखना है। इसके अलावा नवाज चार्ट में भी यही सब देखना पड़ता है, और सेवंथ हाउस के लॉर्ड की क्या स्ट्रेंथ है शत बल में, ये देखने के बाद एक्चुअल रिजल्ट निकाल सकते हैं। बट जनरली अभी हम कवर करेंगे एक हर एक साइन के हिसाब से, हर एक राशि के हिसाब से हम कुछ हॉरोस्कोप्स को कवर करेंगे और ये देखेंगे कि सेवंथ हाउस में कौन सा साइन पड़ रहा है। पहले हम साइन के हिसाब से चलते हैं। तो इसके लिए हम अपना बर्थ चार्ट निकालेंगे, उसमें ये देखेंगे कि सेवंथ हाउस में कौन सा साइन है। उस साइन के बेस पे हम अभी इसको डिस्कस करेंगे कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा रहेगा। इस चार्ट में जितने बाकी साइन हैं उन सभी को हम इग्नोर करेंगे, उनकी सभी राशियों को भी हम इग्नोर करेंगे, सभी प्लैनेट्स को भी इग्नोर करेंगे। हम सिर्फ सेवंथ हाउस का नंबर देखेंगे, उसके अंदर कौन सा नंबर चल रहा है। दोस्तों, ये बड़ा लंबा टॉपिक है, सो मुझे नहीं लगता कि हम इसको एक वीडियो में ख़त्म करके इसके साथ कुछ जस्टिस कर पाएंगे। सो इसके लिए हमने तीन वीडियो प्लान किए हैं। इस वीडियो के अंदर हम एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर राशि को कवर करेंगे। बाकी दो वीडियो में, हर एक वीडियो में चार चार नेक्स्ट राशि को कवर करेंगे। आपकी जो भी राशि है आप उसके हिसाब से अपना वीडियो चेक कर सकते हैं। एरीज यानी मेष राशि, इस चार्ट में सेवंथ हाउस में सेवन लिखा होगा। सेवन इज द साइन ऑफ लिब्रा। लिब्रा मींस तराजू, एक बैलेंस। अपीयरेंस वाइज जो आपका लाइफ पार्टनर है, ही विल बी टॉल, लीन, बॉडी विल बी वेल प्रोपोर्शनेट, नोज प्रोमिनेंट रहेगा, हैंडसम अपीयरेंस, वेरी एक्टिव, फॉन्ड ऑफ वॉकिंग, ब्यूटिफुल लुकिंग आईज, ब्रॉड फेस, रेगुलर फीचर, कर्ली हेयर्स, लीन एंड थिन बॉडी एंड फेयर कॉम्प्लेक्शन, ओवरऑल लुक्स विल बी गुड। उसके अलावा क्वालिटीज क्या होंगी, ही विल बी चार्मिंग, ईजी गोइंग, रोमांटिक, बैलेंस यानी तराजू एक इसका साइन है, सो ही विल बी आइडियलिस्ट, ही विल क्लीन, ही विल पीस मेकर, डिप्लोमेटिक, वेरी पॉजिटिव एंड इंटेलिजेंट। वो एक जज की तरह काम करेगा, वो कोशिश करेगा कि हर चीज के अंदर एक बड़ी फेयरनेस रखे। ही लव जस्टिस, पीस, ऑर्डर एंड ही विल बी अडेप्टेबल मैन। कोई भी डिसीजन लेने से पहले ही विल थिंक 10 times। ह्यूमेंटेरियन, वेरी कोऑपरेटिव
एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल. ही विल हैव ए गुड सोशल सर्कल एंड ही विल कीप ए गुड रिलेशन, रोमांटिक रिलेशन विद यू. यहाँ पे ही और शी मीन्स योर लाइफ पार्टनर. इफ यू आर मेल देन इट शी इज अ फीमेल एंड अदरवाइज वट एवर. नेगेटिव ट्रेट्स में इसके क्या होगा कि ही विल बी इनडिसाइसिव. कोई भी फैसला लेने से पहले, कोई भी डिसीजन करने से पहले ही हैज टू थिंक 10 times. सो ज्यादातर क्या होगा कि ही विल नॉट बी एबल टू टेक ए डिसीजन. ही कैन बी इन्फ्लुएंस्ड इजीली. उसको फ्लैटरी पसंद होगी, उसको अच्छा लगेगा कोई आके उसकी तारीफ करता रहे. और एरी साइन होने की वजह से वो एक हवा में अपने कैसे महल बनाता रहेगा, वो एक प्लान बनाता रहेगा शेख चिल्ली की तरह. ही विल बी मोर आइडियलिस्टिक देन ओवर इंडल्जेंस इन सेक्स, बट ही अवॉइड्स हॉट डिस्कशंस कंट्रोवर्सीज. एक बार डिसीजन ले लेगा, देन ही विल ट्राई टू फोर्स हिज डिसीजन. सो ओवरऑल लिब्रा साइन अगर आपके सेवेंथ हाउस में है तो आपका लाइफ पार्टनर आपसे प्यार करने वाला, देखने में सुंदर और सोसाइटी में एक अच्छा नेम एंड फेम गेन करने वाला. टॉरस यानी वृष राशि, इस केस के अंदर सेवेंथ हाउस में 8 लिखा होगा. 8 मीन्स स्कॉर्पियो. सो आपका जो लाइफ पार्टनर है ही बिलोंग्स टू स्कॉर्पियो साइन. उसके जो ट्रेट्स होंगे वो स्कॉर्पियो जैसे होंगे. स्कॉर्पियो इज रूल्ड बाय मार्स. दिस इज ए वॉटरी साइन. इट इज ए फिक्स साइन, इमूवेबल. उसकी अपीयरेंस कैसी होगी, क्योंकि ये मार्स यानी मंगल जो कि एनर्जी सोर्स है उससे रूल होता है, तो इसका जो इंडिविजुअल होगा ही विल बी टॉल, हैंडसम, ब्रॉड आइज, ब्रॉड फोरहेड, ए फोर्सफुल पर्सनैलिटी. जो बोन्स होंगी दे विल बी वेल डेवलप्ड, ब्रॉड चेस्ट, राउंड बेली, शॉर्ट थिक कर्ली हेयर्स. ये तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस होगी. अभी ट्रेट्स क्या होंगे, ट्रेट्स के लिए आप स्कॉर्पियो को देख लें. सो कुछ ट्रेट्स स्कॉर्पियो जैसे रहेंगे. ही विल बी मेटेरियलिस्टिक, इमोशनल, ही विल हैव पावरफुल फीलिंग, ही विल बी कमिटेड. मंगल है सो ही विल बी लॉयल, ही विल बी डिटरमिंड. जो बोल दिया वो करना है. ही विल स्पीक आफ्टर वेइंग वर्ड्स. कुछ बोलने से पहले वो 10 बार सोचेगा फिर कुछ बोलेगा. ही विल बी इंटेलिजेंट, मंगल वाले जनरली दे विल बी डूइंग ए गुड जॉब, गुड पोजिशन इन सर्विस. एंड रोमांस के मामले में ही विल बी वेरी इंटेंस, जेनरस डिस्पोजिशन. खुद ही अपनी बुराई कर सकता है. ही विल हैव सो मच कॉन्फिडेंस इन हिम. जहाँ पे उसको अपनी गलती लगती है ही विल बी सेल्फ क्रिटिकल. ही विल बी कंपैशनेट. कंसंट्रेशन पावर काफ़ी रहेगी. ही विल बी ए मैग्नेटिक एंड डायनामिक पर्सनैलिटी एंड ही विल बी क्वाइट सेंसुअल. मगर जो स्कॉर्पियो के ट्रेट्स हैं वो फिर भी इनबिल्ट रहेंगे. कुछ बोल दिया आपने, उसको कुछ बोल दिया, वो उसको लंबे समय तक याद रखेगा. जब तक आपको उस बात को रियलाइज नहीं करा देगा वो ख़त्म नहीं करेगा. वो उस पोजीशन पे आपको हार्म करेगा जहाँ पे आपको उसको लगता है कि ही इज सेफ. ही विल बी सीक्रेटिव, ही विल बी सस्पिशियस. ऐसे स्कॉर्पियो वालों की आदत रहती है इन्वेस्टिगेशन करने की. वो आपसे आके 20 क्वेश्चन करेंगे आपके लाइफ के बारे में, पहले के बारे में, घर के बारे में. सो ही विल बी ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग माइंड. जनरली इन्वेस्टिगेशन वाले स्कॉर्पियो साइन से बिलोंग करते हैं. जब वो क्रिटिसिज्म पे आएगा तो ही विल बी वेरी क्रिटिकल, सरकास्टिक. और वो चाहेगा कि जो उसके साथ वाले हैं या उसके सबॉर्डिनेट्स हैं दे शुड बी हार्ड वर्किंग एज ही इज. एंड समटाइम ही के मे गेट ए सैडिस्टिक प्लेजर. सो बेटर ये है कि अगर आपके सेवंथ हाउस में
आठ नंबर है, तो इनसे थोड़ा सा आप सावधानी से चलें और कोई इसको ऐसी गलत बात नहीं कहें जिसका वो बाद में आपके अंगेंस्ट में जाए। जेमिनी यानी मिथुन राशि, इस केस के अंदर आपके सेवंथ हाउस में नाइन लिखा होगा। नाइन डिपिक्ट करता है सेजिटेरियस साइन को, सेजिटेरियस यानी धनु राशि, जिनके लॉर्ड हैं जुपिटर। दिस इज अ फायरी साइन, इट हैज गॉट ड्यूल राशि, तो कैसी होगी? जनरली जो सिर है या गर्दन है, इट विल बी लार्ज, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लॉन्ग फेस होगा, नाक लंबा होगा, जनरली वेल डेवलप्ड फिगर रहती है और लाइट ब्राउन हेयर लंबे रहते हैं, बेली फ्लैशी रहती है। इस केस के अंदर जनरली पेट जो है, यू विल फाइंड ए पॉच, राउंड लिम्स, नोज और आई ईयर्स प्रोमिनेंट रहते हैं। जो आईज रहेंगी, यू विल फाइंड ए फ्लैश फ्लैशी डायमंड एलिमेंट टाइप आईज, डिफरेंट लुक्स, स्मार्ट आईज, गुड लुकिंग, हैप्पी स्माइल। और ट्रेट्स क्या होंगे? ही विल बी जोवियल, सिंसियर, ऑप्टिमिस्टिक, ओपन एंड फेयर माइंडेड, फिलॉसफी देते रहेंगे अपनी, ही विल बी फ्रैंक, ही विल बी हैविंग सम विजन, ही कैन गिव यू सम विजन, ही विल बी इम्पल्सिव, एक्टिव, एंटरप्राइजिंग, कोई काम कर बोल दिया वो किसी तरीके से भी वो कर लेंगे उसको, ही विल बी वेरी रिलीजियस माइंडेड। नेचर रहेगा किसी के लिए कुछ करना है, सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए कुछ करना है, गॉड फियरिंग, ऑनेस्ट, सिंपैथेटिक, विल बी वेरी एनर्जेटिक। आप उसको ताकत से नहीं मना पाएंगे, परसुएसिव से उससे मना सकते हैं, बी ऑर्थोडॉक्स, गुड स्पीच, हिपोक्रेसी को ही वोंट लाइक, ही वोंट लाइक एक्सटर्नल शोज, हैप्पी गो लकिंग एंड ही विल बी वेरी इंस्पायरिंग। दूसरों को जब भी लेक्चर देंगे, मोटिवेशन देंगे, दैट विल बी वेरी इंस्पायरिंग। नेगेटिव में क्या उनकी आता है? ही विल बी वेरी ओवर एंग्शियस, रेस्टलेसनेस, जल्दबाजी, जल्दी करो जल्दी करो, ही डजंट नो द टैक्ट्स, उसको कोई ऐसा नहीं है कि मैं कैसे काम करना, ही विल बी केयरलेस, पता है कि आप टैक्ट से काम कर सकते हैं, बट ही विल नॉट लाइक टू गो फॉर टैक्ट्स, एंड ही विल बी क्वाइट आर्गुमेंटेटिव, आर्गुमेंट आप उससे दो घंटे करते रहे, ही विल कीप डूइंग द आर्गुमेंट, समटाइम ही विल नॉट बी एबल टू टेक ए डिसीजन। सो ये थे कुछ ट्रेट्स जो आपके लाइफ पार्टनर में रहेंगे। कैंसर यानी कर्क राशि, आपके सेवंथ हाउस में टेन नंबर लिखा हुआ, टेन इज अ साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न का जो लॉर्ड है, दैट इज ए सैटर्न, दिस इज अर्धी साइन, दिस इज ए मूवेबल यानी चर राशि। आपके लाइफ पार्टनर का अपीयरेंस कैसा होगा? सैटर्न है, सो विल बी टॉल, लीन एंड स्टिफ ऑल ओवर बॉडी, सिर बड़ा होगा, यू कैन हैव ए बिग नेक, नोज और ईयर्स प्रोमिनेंट होंगे, फेस विल बी थिन, शोल्डर्स विल बी बेंट। सैटर्न वालों के दांत जनरली बड़े रहते हैं, बॉडी थिन रहती है, और बाल जो रहते हैं वो काफ़ी डार्क रहते हैं, कोर्स रहते हैं, थिक एंड लॉन्ग हेयर्स, लेग्स, जो लोअर लिम्स हैं नीचे का पोर्शन जनरली इनका वीक रहेगा। नेचर कैसा रहेगा? ये सैटर्न का एक बड़ा पॉजिटिव साइन है, सो मोस्ट प्रैक्टिकल आदमी रहते हैं ये कैप्रिकॉर्न वाले। इनको दुख तकलीफ का, लाइफ की तकलीफ का आइडिया रहता है, इनकी जो विल पावर रहती है काफ़ी स्ट्रांग रहती है, एम्बिशियस, एम्बिशन है, डिटरमेंट, सोच लिया करेंगे, गुड ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, क्योंकि इनको, इन्होंने प्रैक्टिकल है तो इनको ऑर्गेनाइज करना का नॉलेज है, दे आर रिलायबल, केयरफुल, डिसिप्लिन, शनि डिसिप्लिन सिखाता है, तो दे आर डिसिप्लिन, पेशेंस, कोई जल्दी नहीं है,
हार्ड वर्किंग, काम करना है, दूसरे को एडवाइस देता है उसको एक्सेप्ट भी करना है, स्टैमिना अच्छा रहेगा, बातचीत का शौक रहेगा, बात करेंगे, प्रैक्टिकल है, हो सकता है वो एक चैटर बॉक्स हो, बात बात करते रहे, सिंपैथेटिक है एंड कोई भी सिचुएशन में उनको डाल दो वो एडजस्ट कर लेते हैं, कैसी भी दिक्कत हो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कुछ नेगेटिव ट्रेट्स, ठंड इनको पसंद नहीं है और प्रैक्टिकल है, सो अपना काम निकालने के लिए दे आर कनिंग, कोई ऐसा शर्म नहीं है कोई कुछ कोई अपना काम कराने में, कैसे भी कर लेंगे। रिलीजियस हिपोक्राइट है, रिजिड है, हार्श है, रूथलेस है, पैसिमिस्ट है, दुख तकलीफ इतनी देखी होती है कि उनके दिमाग के अंदर थोड़ा सा पैसिमिज्म बचा रहता है। ओवर कन्वेंशनल, ये शो करना चाहते हैं, नेचर जो है बीच में कई बार लेजी भी कर जाएंगे और इनके जनरली गैस की प्रॉब्लम रहती है, सो आपको परफ्यूम यूज़ करते रहना पड़ेगा और जनरली लाइफ का थोड़ा सा क्रिटिकल व्यू लेते हैं बिकॉज इतनी तक प्रॉब्लम्स इन ये सब फेस कर चुके हैं, इनको नॉलेज है, सो जनरली दे विल हैव ए क्रिटिकल व्यू और ये कुछ परफेक्शन मांगते हैं क्योंकि दे आर नॉट सेटिस्फाइड। तो दोस्तों हमने अभी डिस्कस किया कि एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर इन राशि के लिए जो लोग हैं उनका लाइफ पार्टनर कैसे होगा, ये एक सिर्फ साइन के बेस पे हमने डिस्कस किया है। बाकी राशियों के लिए दो वीडियोस अलग बनाई गई हैं जिनको आप रेफर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और इसके बाद हम एक वीडियो निकालेंगे जिसमें जो प्लैनेट सेवंथ हाउस में पोस्टेड होगा उसका आपके पार्टनर के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।